सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को मुसलमानों की कुरान शरीफ पढ़ने से दिल का सुकून मिलता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जो बचपन से हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और उनका विश्वास हिंदू रिलीजन पर है, आज अमिताभ बच्चन का मानना है कि कुरान शरीफ पढ़ने से उनके दिल और दिमाग को सुकून मिलता है। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 में पैदा हुए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमित जी ने कई सारे बड़े मूवीज में एक्टिंग की और पूरे भारत देश में अमित जी ने काफी सारा नाम कमाया। आज दुनिया भर में अमित जी को बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने मूवीज में एक्टिंग करके काफी सारा पैसा कमाया और एक आलीशान जिंदगी जीते हैं। पर दोस्तों, आज भी अमित जी का कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन होती है। आखिर दुनिया के इतने बड़े स्टार को स्ट्रेस और टेंशन किस बात को लेकर होती है? अमित जी उनके स्ट्रेस और टेंशन की प्रॉब्लम को लेकर काफी साल से परेशान थे। कई बड़े डॉक्टर्स से इलाज कराने के बाद भी अमित जी की ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो पाई। दोस्तों, जब इस बात को अमित जी ने उनके एक बचपन के मुस्लिम दोस्त के सामने रखी तो उनके दोस्त का कहना है कि वो उनकी स्ट्रेस और टेंशन का सबसे बेहतर इलाज कर सकते हैं। अमित जी के मुस्लिम दोस्त ने उन्हें कुरान शरीफ पढ़ने को कहा। जब अमिताभ बच्चन ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तब से लेकर आज तक अमित जी को कभी भी स्ट्रेस और टेंशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो रोज अपने घर में कुरान शरीफ पढ़ते हैं क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ने से उनके दिल और दिमाग को सुकून मिलता है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में उनके सभी चाहने वालों को बताया। अमिताभ बच्चन को कुरान शरीफ पढ़ने से सुकून मिलता है। हम बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अमिताभ बच्चन को सीधा रास्ता दिखाए और एक सच्चा और नेक मुसलमान बना दे। दोस्तों, आप सबका क्या कहना है अमिताभ बच्चन को लेकर हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जाने से पहले और भी लेटेस्ट बॉलीवुड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले।